नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं रेनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कवर्धा में। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेसी पार्षद सुनील साहू ने इस्तीफा दे दिया। शीर्ष नेतृत्व द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का दिया हवाला। वार्ड नंबर 26 से हैं पार्षद। कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया सुनील साहू ने। और आप ये देखिए कि कांग्रेस को इसका नुकसान पहले भी भुगतना पड़ा था। पहले भी कई बड़े लोगों ने इस्तीफा दिया कांग्रेस की सदस्यता से। और एक बार फिर से मामला जहां कांग्रेस पार्षद सुनील साहू ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। जहां पार्षद सुनील साहू ने दिया इस्तीफा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का हवाला दिया गया। वार्ड नंबर 26 से है पार्षद। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। और संवाददाता मनीष दुर्गे, मनीष एक और झटका कांग्रेस को लगा। पहले भी कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था, और एक और झटका। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से कवर्धा नगर पालिका में कांग्रेस ने 5 साल पहले जीत दर्ज की थी और जनता ने उनको एक विश्वास के साथ नगर विकास की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, दास के पत्ते की तरह जो कांग्रेसी पार्षद हैं और नेता जो नेता हैं वो बिखरने लगे हैं। इसकी एक कड़ी आज और जुड़ गई। वार्ड नंबर जो शहर का पार्षद है 26 नंबर वार्ड से, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर अपने इस्तीफे में लिखा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ठुकराया गया, जिससे उन्हें काफी आहत हुई है, जिसके चलते उनके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। जिससे पहले 2 माह पहले भी जो कांग्रेस निर्वाचित अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, उनके द्वारा भी जो विधानसभा में हार मिली थी, खासकर कवर्धा विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से जो है नगर पालिका में तो पद खाली है, उसके चलते कई कामकाज प्रभावित भी हो रहे हैं। और जिस तरह से ये पार्षद जो है आज इसमें जो इस्तीफा देने के बाद जो है इसमें कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, और जो पार्टी के जो नेता हैं वो इसे संभाल पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। दोनों जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील। मनीष, तो इस तरीके से सुनील साहू ने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कवर्धा से ये पार्षद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है।